बुधवार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अध्यक्षत बसीता केन्द्र कैबिनेट रे स्कूल शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक निष्पत्ति देश में समग्र शिक्षा योजना 2.0 को कैबिनेट रो मंजूरी मिली 2,94,000 कोटी टंकार केन्द्र सरकार एक महत्वाकांक्षी योजना होउछि समग्र शिक्षा 2.0 एप्रिल 1, 2021 31 मार्च 2026 पर्यंत यह कार्यकारी हेबो एहा अधीनरे दूर दूरांतरे थिबा शिशु को परिवहन सुविधा दिया जिबो एहा सह राज्य गुडीकु मध्ये आर्थिक सहायता प्रदान करा जिबो सेपटे प्रथम थर पई देश रे 3 वर्षर शिशु को पई प्ले स्कूल रो परिकल्पना करा जाइछि सरकारी स्कूल रे प्री प्राइमरी व्यवस्था आरंभ करा जिबो शिशु को प्रारंभिक 4 वर्षर प्राथमिक शिक्षा को अधिक सुदृढ़ करबा पई शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जिबो स्कूल रे खेल को प्रोत्साहन करबा दिगरे अतिरिक्त ग्रांट प्रदान करा जिबो केवल एतिकि नुहे प्रथम थर पई शिशु को सुरक्षा रो दायित्व भारत सरकार ने 2,94,000 करोड़ रुपया की आने वाले मार्च 2026 तक 21 से 26 तक की इस 5 साल में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपया की एक रकम भारत की स्कूली शिक्षा में एलिमेंट्री प्राइमरी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी और इस बार एक नया आयाम उसमें से जोड़ा गया है जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी नई शिक्षा नीति में 3 साल से बच्चा खेल के माध्यम से सीखने का उपक्रम पे जुड़ेगी। इस सारे व्यवस्था को एक नई जैसे अनुराग जी ने कहा उसकी एक्सटेंशन देते हुए लेकिन एक नई रूप में कुछ बुनियादी मुद्दे को नई तरीके से न्यू अप्रोच से पैराडाइम शिफ्ट हुई है। मैं इसको अगर ऐसे कहूं प्रधानमंत्री जी की जो 4 बिंदु पे फोकस है शिक्षा इक्विटी क्वालिटी एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी ये 4 बिंदु पे शिक्षा की रचना को किया जाएगा।